जी आपने समाज के लिए क्या कौन सा बीड़ा उठाया जो इससे पहले भी आपने कई हजार लोगों को सामग्री पहुंचाया है, फिर आज आपने लोगों को गरीब परिवारों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सामान तैयार किए हैं, क्या आपका मकसद है? मकसद कुछ नहीं है, लोगों का सेवा करना चाहिए, पहले ईश्वर का सेवा उसके बाद मानव का सेवा, मानव का सेवा ही ईश्वर का सेवा है। अभी जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से लगातार हम अपना पैकिंग कर रहे हैं, लगातार हम अपना सामान को अपने हाथ से वितरण कर रहे हैं। जहां हम नहीं जा पा रहे हैं वहां हमारे समर्थक लोग, हमारे शुभचिंतक लोग वहां जाते हैं। यहां तक कि जो है वैसे लोगों को हम सामान देते हैं जो लोग हमारे क्षेत्र में, हमारे गाँव घर में जो विधवा मुसमात में और जो फकीर फकरा हैं, जो राशन कार्ड से वंचित हैं, जो लाल कार्ड का जमीन पर बसे हुए हैं, जो नहर के किनारे बसे हुए हैं, जो पोखर के पहाड़ पर बसे हुए हैं, जो रेल के पटरी के बगल में बसे हुए हैं, वैसे वैसे लोगों को हम राशन पहुंचाने का काम करते हैं और यह काम हमारा जो जारी रहेगा। और जहां तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वह भी अपना जो है संकल्प ले चुके हैं कि किसी भी राज्य में जो हमारे राज्य में कोई भी लोग भूखा नहीं रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी PDS के द्वारा जो अनाज जो है फ्री अनाज दिया जा रहा है और पैसा लेके भी दिया जा रहा है और फ्री अनाज भी दिया जा रहा है, सबके अकाउंट में पैसा भिजवाया जा रहा है, सब कोई अपना जो बैंक में अपना जो पैसा उठा रहे हैं, CFC ब्रांच में पैसा उठा रहे हैं, PDS में जो है हमारे मजिस्ट्रेट बहाल कर दिए गए, हर जगह इंक्वायरी कर रहे हैं कि कहीं किसी तरह का जो है कहीं सामान को कोई घपला तो नहीं कर रहा कोई डीलर जो है, उस पर नज़र निगरानी जो पूरा रखे हुए हैं। और हम लोग भी अपना जाके छानबीन करते हैं, देखते हैं, यही मेरा मकसद है, पहले इंसान का सेवा, मानव का सेवा, उसके बाद फिर जो ऊपर गॉड का सेवा। जो आपने क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस तरह के जो लोगों को काम कर रहे हैं सेवा के लिए, अभी जो तैयार किए सामान किन किन लोगों को दिया जा गया? वही सब जो बोले गरीब मुसमात बेवा जो लोग हैं वैसे लोगों को देते हैं, जिसके घर में साफ खाने के लायक नहीं है, जिसके चूल्हा जलने के लायक नहीं, वैसे लोगों को, ताकि इस समाज में हम 20 साल से राजनीति करते हैं और समाज का जो पूरा पूरे कस्बा विधानसभा के एक एक जगह जगह जो हम जानते हैं कि कहाँ किसको क्या दिक्कत है वो हमको जानते हैं। हम सबका तो पूरा नहीं कर सकेंगे, लेकिन जहाँ तक हम चाहते हैं पूरा कर दें। अगर हमारे जैसा ही अगर हर पंचायत में, हर वार्ड में एक दो आदमी अगर तैयार हो जाए तो हमारा समाज का लोग कोई भूखा नहीं रहेगा। हमारे माननीय सांसद पूर्णिया जिला के, वह भी अपने स्तर से जो है वह भी अपना सामान का वितरण कर रहे हैं। अब तक आपने कितने लोगों को राहत सामग्री पहुंचाए हैं? हम अभी तक लगभग 3000 लोगों को राहत सामग्री पहुंचा चुके हैं और मेरा लक्ष्य है कि कम से कम 5000 लोगों तक देंगे। आगे इस तरह के कार्यक्रम कब तक बने रहेंगे? अभी आगे हम लोगों का जो है मुसलमान भाइयों लोगों का भी रमजान त्यौहार आ रहा है, उसमें भी जो है काफ़ी दिक्कत परेशानी जो है झेलना होगा। अब लॉकडाउन का क्या प्रक्रिया है, सरकार का 3 तारीख तक तो है ही, 3 तारीख के अगर आगे बढ़ा दिया गया तो फिर उसमें भी जो है रमजान में भी जो जहाँ तक जरूरत पड़ेगा हम वहाँ तक जो लोगों को जो है सेवा करने का जो मौका हम देंगे और हम सेवा उसके साथ करेंगे, जहाँ तक मेरा शक्ति होगा वहाँ तक करेंगे। आज हम मर जाएंगे, पूरा देश का लोग जो इस महामारी में बहुत लोग मर चुके हैं, आज हम भी मर जाएंगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे, सब कुछ यहीं धरा रहेगा, जो सेवा करेंगे वही साथ में रह जाएगा, इसलिए पहला काम है सेवा करना। आप अपना परिचय देंगे? मोहम्मद इरफान आलम, जदयू महासचिव बिहार प्रदेश, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, प्रमुख संघ, जिलाध्यक्ष पूर्णिया, प्रखंड उप प्रमुख कस्बा।